तो आज की हमारी इस ऑनलाइन लाइव क्लासेस में हमारे साथ मौजूद है संदीप जी, और हम एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये हमारी क्लास की पहली क्लास है, मतलब कोर्स की पहली क्लास है। सॉरी, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले एक्सेल आर्किटेक्चर के बारे में, और एक्सेल पे किस तरह से आपको हेल्प मिलेगा, मान लीजिए कि सेल्फ लर्निंग में कैसे हेल्प लेंगे, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज। थोड़ा सा थ्योरिकल होगा, थोड़ा सा बेसिक होगा, और इसी पे हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सेल जो आप सीखने जा रहे हैं, इसका इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे। ऐसे तो आपको पता है कि भाई इसका इस्तेमाल ऑफिस में करेंगे, लेकिन ऑफिस के अंदर किन किन कामों में, किस किस तरह के कामों में यूज करेंगे, इसके बारे में अगर जान जाए तो कोई आपसे पूछ दिया था उसको बता सकते हैं, या किसी का भी किसी तरह एग्जाम वगैरह में लिखना हुआ तो उसको आप लिख सकते हैं। राइट सर, ठीक है सर। सबसे पहले जानिए एक्सेल का यूज होता है डेटा स्टोरेज में, राइट सर। लेकिन हम एक्सेल को एज ए डेटाबेस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के नियमों को पूरा नहीं करता है। सबसे पहली बात कि इसकी 2 GB से ज्यादा की साइज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस पे डेटा सिक्योर नहीं है, करप्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसकी पासवर्ड सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इसमें कई सारे दिखते हैं, लार्ज डेटा, मान लीजिए इसमें 3 लाख, 3 या 4 लाख के बाद डेटा डालते हैं, एक्सेल काफी ज्यादा हिल जाता है, हैंग होने लगता है, स्लो प्रोसेसिंग हो जाती है। तो इन सब केसेस को देखते हुए ये डेटा स्टोरेज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, छोटे लोग हैं, वो अपनी डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं, उसको डेटाबेस बना सकते हैं, जहां पे नेटवर्क का काम नहीं है, सिंगल पीसी पे वर्क होता है, ऐसे लोग, जैसे कि एक छोटी मोटी कंपनीज हैं वो कर सकती है, हम जैसे लोग हैं वो कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स, तो डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या एसएमई लोग ही करेंगे, कॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे एक्सेल में डेटा स्टोरेज? कहीं करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर भी डेटा स्टोरेज करता है, लेकिन स्मॉल मिसलेनियस डेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि सैलरी वगैरह बनाने के लिए आपके पास पेरोल का सॉफ्टवेयर है, लेकिन अटेंडेंस के लिए तो आप एक्सेल पे ही रखते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको अटेंडेंस भेजता होगा तो एक्सेल पे ही भेजता होगा, एक्सेल पे स्टोर करते होंगे, स्टोर करके पूरा बना के फिर आप पेरोल पे अपलोड करते होंगे। दूसरी चीज, बड़ी कंपनी जो है सैप वगैरह, बीजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, टैली इस्तेमाल करते हैं, फिर भी बहुत सारे मिसलेनियस खाता जो होता है उसको हम लोग एक्सेल में स्टोर रखते हैं। तो डेटा स्टोरेज का दूसरी चीज है कि अगर हम डेटा एनालिसिस के लिए स्टोर करते हैं, ये तो होगी आपकी डेटाबेस बनाना, कि भाई हम डेटा टाइप करेंगे ही एक्सेल में, क्या सर? जैसे पेटिकेस का रिकॉर्ड है, आपको पेटिकेस का रिकॉर्ड अगर करने के लिए दिया जाए तो आप उसको टैली में थोड़ी करेंगे, तो मान लीजिए आपकी कंपनी अकाउंटिंग के लिए टैली इस्तेमाल करती है या सैपफी को इस्तेमाल करती है, लेकिन जो पेटिकेस का रिकॉर्ड्स है उसको तो आप टैली ऑफिस में रखेंगे, आप जाके लेजर थोड़ी क्रिएट करेंगे कि 2 रुपए का फोटो स्टेट, 100 रुपए का कन्वेंस, क्या सर? तो इसके लिए अब बात करते हैं कि एनालिसिस डेटा, जैसे कि मान लीजिए कहीं से डेटा डाउनलोड करके उस पर एनालिसिस करना है तो एक्सेल में रखेंगे, चाहे एनालिसिस के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, लेकिन फिर भी हम एक्सेल पे लाएंगे तो एक्सेल से सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। तो एक तो डेटा अगर हम टाइप करना है, स्टोर करना है, तो भी हम एक्सेल में करेंगे, मिसलेनियस स्मॉल डेटा, लेकिन अगर डेटा कहीं से इंपोर्ट करना है उसको भी हम प्रेफर करेंगे एक्सेल में इंपोर्ट करना। ऐसे उसके बाद हम इसमें बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन, अब मान लीजिए आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, सैलरी कैलकुलेट करना है, और बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है करना है, तो उसके लिए अगर आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें जाएंगे तो फिर उसके लिए मॉड्यूल्स आपको क्रिएट करवाना पड़ेगा,
अब सेफ ईगो की बात करें, इनबिल्ट में मॉड्यूल है तो चलो ठीक है। अब मान लो किसी का कैपरेट कैलकुलेट करवाना है आपको, अब कैपरेट कैलकुलेट करने का मॉड्यूल फीगो में नहीं है, तो आपको प्रोग्राम पे अपने जो डेवलपर टीम है उसको बोलेगे, बोलना पड़ेगा, फिर डेवलपर टीम उसको टूल्स को क्रिएट करके वेरीफाई करके आपको देगी, देन आप उस पर कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें तो काफी टाइम लग जाएगा और हर चीज के लिए पॉसिबल भी नहीं है। देखिए एक्सेल पे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ग्रोथ परसेंटेज निकालना है कि हमारी जो है जून महीने में आपका क्या बोलते हैं 29 है, और यहाँ पे जुलाई में मान लीजिए 21 है, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। अब ग्रोथ के लिए फॉर्मूला इनबिल्ड है तो ठीक है, अगर आपका फॉर्मूला इनबिल्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, इनबिल्ड कराना पड़ेगा ना। बट एक्सेल में सिंपल क्या है, एक्सेल में करेंगे लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, जो मैथमेटिकल फीचर्स है उसको यूज करो। अब ये चीजें डिप्लीमेंट डेटाबेस में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि हर एक सिस्टम का एड्रेस है यहाँ पे G4 G5, लेकिन आप SAP ले लीजिए, आप Oracle ले लीजिए, आप SQL ले लीजिए, आप Tableau ले लीजिए, क्या बोलते हैं Access ले लीजिए, तो वहां पे आपको कैलकुलेशन पूरी कॉलम की होती है, ना कि एक सेल की होती है, राइट सर? ठीक है सर। तो यहाँ पे हम एक सेल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिबल सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है सर, एक्सेल। कैलकुलेशन के बाद आता है एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन अब एनालिसिस मतलब कि किसी भी डेटा को किसी एंगल से एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है एक्सेल को, सिंपली एनालिसिस हो जाता है, हालांकि आप जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो एनालिसिस को तो आप सिर्फ छोड़ते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। प्रेजेंटेशन वगैरह तो हम लोग पीपीटी पे करते हैं ना जी, लेकिन पीपीटी में आपको स्टैटिक्स करेंगे तो ठीक रहेगा, डायनेमिक करने में दिक्कत होता है। अब आपको हम एक रिपोर्ट खोल के दिखाते हैं, मान लीजिए मैं यहां से सेल्स परफॉर्मेंस को ही ले लेते हैं, आपके सामने है। अब बाकी को छोड़िए, हम इसी को लेकर चलते हैं। तो इसमें मेरे पास जो सेल्स मतलब कि जो कंपेयरिंग है वो अलग अलग रीजन्स के लिए, जिसके मैंने एशिया पे क्लिक किया, एशिया पैसिफिक, तो मेरा पूरा डेटा एशिया के अकॉर्डिंग हम बन गया। मैं यूरोप पे क्लिक किया तो यूरोप के अकॉर्डिंग, मैं मिडल ईस्ट पे क्लिक किया तो मिडल ईस्ट के अकॉर्डिंग, मैं इस पे नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक किया तो अकॉर्डिंग। जो आप दिखा रहे हैं ये सारा एडवांस एक्सेल का ही है ना, मतलब ये इस्तेमाल किया गया है, याद है ना, हाईलाइट सीरीज डेटा दिखा, हाईलाइट सीरीज ने आपको फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो बस कर्सर रख के हम देख रहे हैं, लेकिन आप अगर पीपीटी पे जाओगे तो आपको हर रीजन के लिए अलग अलग चार्ट बनाने पड़ेंगे, क्या सर? हाँ बनाने पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि आपको पूरे साल का रिपोर्ट रिप्रेजेंट करना है जनवरी टू दिसंबर, तो आपको 12 रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, 12 स्लाइड होंगे, 12 फाइल हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकती है। लेकिन एक्सेल में क्या है कि आप एक फॉर्मेट एक डिजाइन तैयार कीजिए, ठीक है, और उस पर आप इस तरह की ड्रॉप डाउन लगा दें, ताकि आप ड्रॉप डाउन चेंज करें तो क्या होगा कि आपकी बाकी मतलब आप जैन को चेंज किया तो आगे आपको जैन का रिपोर्ट आ जाएगा, फैब को चेंज किया तो फैब की रिपोर्ट आ जाएगा, मार्च का चेंज किया तो मार्च का रिपोर्ट आ जाएगा। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पूरे महीने का रिपोर्ट आ रहा है, आपको हर महीने का अलग अलग चेंज करने का
जरूरत नहीं है। क्लियर है सर? ठीक है सर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आता है, और लास्ट में जो आता है वो आता है शेयरिंग। अब मान लीजिए आपको किसी को फाइल एक रिपोर्ट भेजनी है या एक डेटा भेजनी है, तो आप किसमें प्रिफर करना भेजते हैं? एक्सेल में ही ना भेजते हैं, प्रिफर करते हैं एक्सेल फाइल भेज देते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम उसको जो है एसक्यूएल की नोट फाइल भेज देते हैं या उसको हम एक्सेस की फाइल भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्सेल उनके पास है, बाकी सब हमारा टैबलो का हमारा टैबलो से बना हुआ डैशबोर्ड है, और उसकी मैं टैबलो वाली फाइल उठा के भेज दूं, तो जिसके पास टैबलो होगा वही देख पाएगा ना, जिसके पास नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर तो नहीं चल पाएगा, उसकी फाइल तो नहीं चल पाएगी। बट एक्सेल का अगर मान लीजिए किसी ऑफिस में कॉल सेंटर वगैरह में मोस्टली में एक्सेल नहीं होता है, उनके पास ओपन व्यूअर होता है, ओपन ओआरजी होता है, एक्सेल व्यूअर ओपन ओआरजी होता है, अगर कुछ भी हो तो जीमेल पे देख सकता है, गूगल सीट। तो इन शॉर्ट में पता है कि यूज कर सकते हैं। तो हम एक्सेल का यूज जो है मेनली चार चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है आपका डेटा स्टोरेज, दूसरा है आपका कैलकुलेशन, तीसरा है एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन, एंड चौथा है शेयरिंग। ठीक है? आगे बढ़े जी सर। अभी मैंने एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, चलिए इसको एक बार समझते हैं। देखिए हर एक सेल का अपना एड्रेस है, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो D5 है, मतलब D कॉलन एंड 5 नंबर हो। तो किस सीट पे? ये सीट 7 पे, राइट? अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा A1, A1 मतलब क्या हुआ? मैंने हम लोग अब इसका एड्रेस हुआ होता क्यों है इस चीज को जानिए। जैसे 20 और 30 है, तो मुझे मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना चाहूँ तो 20 प्लस 30 मैनुअली कर सकता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं कल के डेट में अगर 30 को 50 कर देता हूँ तो मेरा चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया प्लस, इसको सिलेक्ट किया, रिजल्ट आ गया आपका 70। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो प्लस हुआ है वो C4 प्लस D4 नहीं, C4 की वैल्यू प्लस D4 की वैल्यू। C4 क्या है? एक सेल एड्रेस है, C नंबर रो एंड 4 नंबर रो, राइट? अब यहां पे मैं अब इसमें बात करते हैं कि अगर हमने इक्वल टू C4 कर दिए तो रिजल्ट आ जाएगा। तो C4 इट मींस सीट 7 का सीट हुआ, क्योंकि जिस सीट में हम लगा रहे हैं उसी से क्या रेफरेंस दे रहे हैं। किसी अनदर सीट पे क्लिक करेंगे तो फिर वो सीट का नाम भी आएगा। आया सर? अगर हम किसी और फाइल की बात करें, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई सेव किया हुआ फाइल ओपन करता हूं, जैसे मैं ओपन करता हूं इसी डेटा को, और इक्वल सॉरी यहां सीट 1 से डेटा पे जाते हैं, तो यहां पे देखेंगे कि आपका फाइल का रेफरेंस भी आएगा, क्योंकि ये अनदर फाइल से लिंक हो रहा है। ठीक है? तो डेटा डॉट एक्सएलएस एम सीट 1 H9 दिख रहा है आपको? हाँ जी। अब मैं इसको क्लिक कर दिया तो यहां पे देखिए पूरा का पूरा पाथ आ गया। अब बोलो इससे पहले तो पाथ नहीं था, अभी क्यों पाथ आया?
क्योंकि सर ये दूसरी फाइल, ये जहाँ से आपकी फाइल लिंक्ड है वो पिक कर रहे हैं इस बार। नहीं तो उससे पहले भी तो पिक कर रहा था। अभी चलिए एक और बताओ, हेलो, इससे पहले भी तो पिक कर रहा था सर। अगर से मान लीजिए मैं डेटा फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, फिर देखिए अब कहाँ गया, फाइल का पूरा नाम तो नहीं आ रहा, सिर्फ डेटा डॉट एक्सएमएल से पाथ नहीं है ना। एक चीज ध्यान, ये सवाल जो है बहुत बहुत बच्चों ने पूछा है मुझसे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। क्या है सर कि जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, ओपन रहता है, उसको हम लिंक करते हैं, तो उसकी पाथ नहीं आती है। पाथ ना आने के कारण है कि जब हमारी फाइल ओपन होती है तो उसकी पूरी एप्लीकेशन ऑफिस लाइब्रेरी को होता है, समझ गए। जब हम फाइल, दोबारा क्या बोले, दोबारा बताना। मतलब अगर मान लो जैसे मेरे पास दो फाइल्स ओपन है, ठीक देखिए आप सिंपल से है, बात ओके, समझिए ना कि ये हमारा फाइल ओपन है, डेटा फाइल, ओके, हमने बुक वन में इसको लिंक ओके, किया है। लिंक करते समय क्या आ रहा है, फाइल नेम, सीट नेम और रेफरेंस, फाइल का लोकेशन नहीं आ रहा है ना। हाँ जी, ठीक अब मैं डेटा फाइल को क्लोज करता हूं, है, आप देखिए अब क्या हुआ, पूरी लोकेशन आ गई। ओके, मतलब फाइल अगर ओपन है और आपने लिंक किया तो एड्रेस में सिर्फ उस फाइल का नेम आएगा, लोकेशन नहीं और आएगा। जब हम ओके जब उस फाइल को क्लोज करेंगे तो पूरी लोकेशन आएगी, ओके समझ गया। ठीक है सर। तो ये हमारा एड्रेसिंग सिस्टम था। ओके अब इसमें हम +20 करना चाहते हैं तो हो गया। हाँ जी सर, हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे तो A1 हमारा, A2 हो गया, A3, A4 दे हो गया ना। सर, ये ड्रैग आपने डबल क्लिक करके करा है ना? हाँ डबल ठीक क्लिक, ठीक है। है, ठीक एक फायदा होता है जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि A1 जो है, तो जो एड्रेस है आपका वो इंक्रीज होता है नीचे की तरफ। जैसे A1, A2 हो गया, A3 हो गया। ओके एक हमारे लिए बेनिफिट है, बेनिफिट हाँ जी, जी है ना। है सर। लेकिन अगर हम मान लीजिए एक फीचर नहीं होता तो काफी ज्यादा फॉर्मूला लगाने में दिक्कत होता है ना सर, हर बार हर जी फॉर्मूला को चेंज करके लगाना होता है। हाँ जी तो यहां पे हम एक काम करते हैं कि मुझे अब यहां पे हमें मान लीजिए कि D1 पे हमने 20 लिख दिया। अब मुझे जो प्लस करना है वो तो D1 से करना है, प्लस D1, ठीक है। ठीक अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो D1 आपका D2 हो जाता है, हो गया ना। जी, तो दिक्कत हो गई ना कि A1 को मुझे तो A2 करना था बट D1 को D2 नहीं करना था। ओके सर, इस केस में हम ये वाला सेल फ्रीज कर देंगे। हाँ तो इसमें हम इसे आगे, इसके आगे हम डॉलर की साइन लगा, सर आगे लगाते हैं, मतलब सर जिस सेल को फ्रीज करना होता है उसके आगे डॉलर लगाते हैं पीछे? ओके नहीं बताते जिस सेल को, नहीं सेल के जिस पार्ट को। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ रो नंबर को फ्रीज कर, रो को फ्रीज करना है तो हमने 1 के आगे लगा दिया, समझ अगर सर एक बारी जहाँ पे D2 में एक बारी आपको वैल्यू डालना। गए। हाँ मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता है कि क्या आप सोच रहे हैं। तो अगर आपको अगर रो फ्रीज करना है तो रो कीजिए बट आपका कॉलम फ्रीज नहीं होगा। जब आप इसको सी की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपका DE बन जाएगा, तो आपको लगता है कि कॉलम भी फ्रीज होना चाहिए, देन कॉलम का आगे जो लगा डॉलर लगा दीजिए। कि दोनों में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि दोनों में लगाना जरूरत नहीं है, क्योंकि
इसका भी एक बेनिफिट है, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हम देते हैं, ठीक है, अब मुझे जो है, अभी आपकी 5-10 सेकंड के लिए आवाज नहीं आई। हाँ, मैं बोला कि इसमें आपको दोनों तरफ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने अगर मान लीजिए कि आपको आपको मान लीजिए मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो कॉलम फ्रीज करने की जरूरत नहीं है ना, तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। आप नहीं लगाओगे तो अगर आप कॉलम की तरफ अगर फ्री ड्रैग करोगे तो कॉलम चेंज हो जाओगे, लगा दोगे तो नहीं चेंज होगा। तो जैसे कि मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि मेरा नंबर इसका वर्टिकल है ना, वर्टिकल, अब मुझे हॉरिजॉन्टल हुआ ना, तो ये नंबर हमारा तो वर्टिकल है सर, ये तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो सीधा होता है ना सर। हाँ, हॉरिजॉन्टल, माफ कीजिए, हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें मान लीजिए कि डी टू को प्लस करना है, तो हमने क्या किया कि एफ प्लस डी वन, अब इसमें मुझे मेरा जो है डी को फ्रीज करना है, क्योंकि इस पर जो हॉरिजॉन्टल हम कर रहे हैं तो ए डी ई एफ चेंज होगा ही होगा, अगर नीचे की तरफ भी है तो हम वन भी फ्रीज कर देंगे, ठीक है, और यहाँ भी और भी नीचे भी करना है हमें, यहाँ नीचे भी करना है। एक बार आपने डी, एक सेकंड सर, एक बार आपने अभी डी से पहले लगाया डॉलर साइन और वन के बीच में लगाया, इसका मतलब आपने सेल और कॉलम दोनों फ्रीज, नहीं, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम दोनों फ्रीज किया हमने, और इसका मैं सिर्फ रो फ्रीज कर रहा हूँ, कॉलम चेंज होना चाहिए, समझ गए सर, एफ सेल की आपने रो फ्रीज करी है। हाँ, ताकि मैं अगर नीचे ड्रैग करूंगा तो मेरा एफ फिक्स रहेगा, ये फाइव फिक्स रहेगा, और जब आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो एफ जो है जीएचआई में कन्वर्ट होगा, जरूरत है। सिंपल से आज बात, सिंपल सी बात समझिए, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कि आपका एड्रेस है, आपके पास एक अल्फा है, एक न्यूमेरिक, अल्फा आपका कॉलन है, न्यूमेरिक आपका नंबर है, और हम जब ड्रैग करते हैं किसी भी नंबर, किसी भी फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, तो उसको हम 320 डिग्री में रोटेट करते हैं, सॉरी 380 होता है ना, 360, मतलब कि इसको हम टॉप बॉटम, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो अगर टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप हुआ तो रो इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हुआ तो कॉलम इंक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होगा, ठीक है सर। एक बार आप सेल नंबर G6 पे आना, G6, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें आप सर, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड सर, आप एक बार अपना वहीं पे रखिएगा, मैं फॉर्मूला बार में एक चीज देख रहा हूँ सर, G6 में सर, एक बारी हटना है आपको, मुझे G6 से बाहर आना, G6 से बाहर आओ, हाँ जी, सर एक बात बताइए, G6 आपने यहाँ पर सर F6 में जो है, एक बारी F6 में जाना सर, आपने F वाला जो है F5 के बीच में डॉलर लगाया है, और उधर आपने F5 के नहीं, ऐसा ऐसा बोलना गलत होगा सर, हमने 5 को फ्रीज किया है, 5 से पहले डॉलर लगाया, मतलब 5 को फ्रीज किया है, इस 5 को फ्रीज करने का मतलब क्या हुआ सर, इसका हमने 5 को फिक्स करने का मतलब हुआ कि जब इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा रो फिक्स होगा, 5 चेंज नहीं होगा। जैसे मैच फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे, वी लुकअप वगैरह लगाएंगे, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है सर, ये एक बारी दोबारा समझा दीजिए, नहीं समझा सर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है, जो जरूरत है यहाँ पे जोड़ी नहीं लगाओ, नहीं भी लगा सकता, आपको जो जरूरत है फॉर्मूले की कि हाँ मुझे किसको बढ़ाना है किसको नहीं बढ़ाना है, बस उसके आगे अपना डॉलर साइन लगा दीजिए, समझ गया ना, ओके,
जिसके आगे तो लगाना है, डॉलर साइन लगाने से रुक जाएगा आपका रेफरेंस, फ्रीज हो जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे लगा दिया तो हर जगह लगाना ही पड़ेगा कि वर्टिकली करना है, तो आपकी फॉर्मूले की नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इस पर ज्यादा चिंता नहीं करें क्योंकि अगला मतलब कि जब फॉर्मूला स्टार्ट होगा तक 20 से 25 क्लास में हर क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रीज करने के लिए डॉलर साइन लेता है, जस्ट ओवर में, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी ऑप्शंस के बारे में अगर पता करना है आपको तो जस्ट उस पर कर्सर रखिएगा, कर्सर रखते ही आपको उसका स्क्रीन शॉट दिख जाता है, और जब टेल मी मोर पे क्लिक करेंगे तो उसका हेल्पफुल भी आ जाएगा। सर ये आपका एक्सेल 2013 है ना? हाँ, किसी में भी रखेंगे सब, 13, 16, 19, मतलब 19 है तो किसी भी वर्जन पर रखेंगे। मेरे पास 10 है अभी। हाँ, 10 पे भी रखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर टेल मी मोर नहीं आता है तो F1 प्रेस कर लीजिए कर्सर रख के। तो जनरली क्या होता है कि हम किसी ऑप्शन के बारे में जानना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल हेल्प में जाते हैं, राइट सर? लेकिन क्या होता है कि गूगल हेल्प में अगर आप जाते हैं तो वहां पे जो चीजें गूगल में जाके हम सर्च करते हैं, गूगल में जो चीजें सर्च करती है वो 100% प्रूफ रीड नहीं होता है, वो हम जैसे आप जैसे लोग ही अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। हो सकता सही हो सकता गलत हो सकता आधा दूर सही हो, लेकिन एक्सेल हेल्प में आपको हर एक चीज प्रूफ रीड के साथ मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी अगर चीज के बारे में जानना है तो आप जो है इसी में सर्च करने की कोशिश करें। अब इसमें और क्या क्या सर्च कर सकते, जैसे मान लीजिए मुझे लिमिट्स के बारे में पता करना है तो मैं यहां पे लिमिट्स सर्च करूंगा, एक्सेलिफिकेशन और लिमिट्स यहां आ गए, ठीक है। यहाँ पे हर फीचर्स की लिमिटेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक्सेल की फीचर्स की लिमिटेशन है कि कितने वो वर्कबुक, कितने रो हाइट, पेज हर चीज पर कितना कर सकते हैं, किसी ऑप्शन की लिमिटेशन क्या है, इसको कैजुअली पढ़ लीजिए। उसी तरह से अगर शॉर्टकट्स के बारे में जानना हो तो आप यहाँ पे शॉर्टकट सर्च करें, यहाँ पे कीवर्ड शॉर्टकट इन एक्सेल दिख गया, क्लिक करें या इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, हर फीचर के शॉर्टकट्स आपको यहां दिख रहे हैं, ठीक है सर? ठीक है, डाउट इसमें नहीं सर। इसको आप लोग कैजुअली एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको दो चीज पढ़ना है, पहले लिमिटेशंस को और दूसरा शॉर्टकट्स को। सर ये मेरे एक्सेल में मतलब अगर एक्सेल 2010 में ये खाली F1 दबाने से आ जाएगा? हाँ, F1 दबाने से आ जाएगा, F1 हेल्प का शॉर्टकट होता है। ओके, हेल्प आ गया सर, इसमें मतलब अब मैं सर्च में कुछ भी डाल सकता हूँ ना? हाँ, कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप फाइल मेनू बार में जाते हैं और आप न्यू करते हैं, न्यू करते हैं ना, तो न्यू में जनरली आप तो ये ले लेते हैं ब्लैंक वर्कबुक, है सर? लेकिन इसमें इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, वो टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं, तो इसमें आ रहे सैंपल टेम्पलेट, मारी टेम्पलेट। हाँ, ऊपर सर्च भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पर्सनल हमने कर दिया तो यहाँ पे पर्सनल का भी आ रहा है, बिजनेस को तो बिजनेस का भी आ रहा है, ठीक है सर? तो ये चीजें आपको बताएगी कि एक्सेल में क्या क्या किया जा सकता है, ओके। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, तीन चार चीजें देख लीजिए,
फिर अगर कल फ्री है तो कल या परसों फ्री है तो परसों हम क्लास लेंगे, बता दीजिएगा। पर कल ही ले लेना सर, पर अभी क्लास अभी तो आप कंटिन्यू करेंगे ना जो अभी आज की क्लास? नहीं अभी 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 जो है फिलहाल जो, हेलो हाँ मैं बोल रहा था कि अभी जो है आप इसको वर्क बुक लिमिटेशन को पढ़िए, शॉर्टकट्स को देखो, आज तो सर फिर ये हाफ एन आवर की क्लास ही हो पाई। और सर नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया है तो 45 मिनट की क्लासेज होती है ना सर, जूम ऐप अपने आप बंद हो जाए, हाफ एन आवर तो नहीं गया है सर, ज्यादा गया है 40 मिनट गया है, ठीक है 45 मिनट की क्लासेज मिलेगी और शुरुआत में थोड़ा सा स्लो चलेंगे फिर धीरे धीरे फास्ट हो जाएंगे। अभी कुछ जब तक इसमें क्या कि क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन सेक्शन होगा इसमें आपका, अभी जैसे आपने क्वेश्चन नहीं रखा नहीं पूछा, वरना फिर 10 मिनट आपको टाइम क्वेश्चन सेक्शन के लिए मिलता है कि आपके जो डाउट्स है प्रीवियस क्लासेस से, वर्किंग प्रोफाइल से, वो क्लियर करेंगे, तो इस सब के लेके टाइम मैनेज हो जाएगा। शुरुआत में नहीं है तो इसलिए ना आपको लग रहा है कि हाँ टाइम कम लगा है,